प्रणाम जी, राम राम, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय छन्नी नानक इलाका जो कि फ्लाई मंडाल का है, आज सुबह से ही यहाँ पर कुछ जो है थोड़े हालात ख़राब हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई विशेष समुदाय के लोग जो हैं एक कुल्ला बनाने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये ज़मीन जो है मंदिर की जगह है, और काफ़ी सालों से यहाँ पर जो है ये ज़मीन पे बच्चे वगैरह यहाँ पर खेलते भी हैं, और उसी जगह पर इनका कहना है कि कब्ज़ा किया जा रहा है, जिसके बाद आज यहाँ पर थोड़े से हालात ख़राब हो गए और कुछ 3 से 4 लोग जो है इंजर्ड भी हैं। पुलिस यहाँ मौके मौजूद है। भैया के गल हुई पूरी सुना गई अज सवेरे के गल हुई है? सर, ये साढ़े ग्रां छन्नी नानक की जगह है, शिव मंदिर है, साढ़ा मंदिर है सामने, उदी जगह साढ़े कोई 100 साल की जगह मंदिर का नाँ है। ये कोई एक माफिया लैंड माफिया जमील गुजर इन्हें पता नहीं कुत्थ कुत्थ कब्जे किए देना, अज सवेरे का नजायज कब्जे करता है, सवेरे दानी है। इन्हें कोई 200-400 बंदा टोके लिए हथियार लिए सारे गुजर बेली चलाने, लोकल गुजर कोई नहीं है, सारे इन्हें बाहर के बंदे आनी है। ये देखो तुस इतने नजायज कब्जा करने की कोशिश की, साढ़े जो ग्रां है सारे जल्द इसी ठाकन गए ना ज कुछ भी करे, इन्हें डांगा मारिया टोके मारे फट, साढ़े कोई बंद की बांह बटोई दी है, कुछ का सिर बटोई दा, कुछ का कुछ किए, एक भी लोकल नहीं है, सारे बाहर के गुजरे ने माफी आते साढ़े वास्ते, साढ़े पिंड ही लैना, साढ़े मंदिर की जगह, ये सानू हिंदू ही दवाना चाहते हैं। किठे हुई है तुम देखो इन्हें को हाली भी देखो किन्ने डांगा ने किन्ने इन्हें हथियार लिए, साढ़े हिंदुओं पर सानू ही मारा देना है, साढ़े मंदिर की जगह जी साड़ी आस्था है उसी खत्म करा देना है। साढ़े बड़े पुराने सरपंच आए भी आए तो गुजरा उन्हें डांग मारी, मेरे मेरे ब्रदर का सिर पाड़िया, सुहांजना हॉस्पिटल शास्त्री महाराज एडमिट ना उत्थे टाके लवा देना, एक बंदा खड़ा और इंजर्ड है, और बांह तोड़ी है, और एक्सरे भी है, एक्सरे भी आई है, और बांह फ्रैक्चर हो गई, मेरी भी फ्रैक्चर पता नहीं क्या है, मैं चेक नहीं की, चेक करा एक्सरे, हूँ साड़ी रिपोर्ट है कि इन्हें बंद बाहरों बनवा लेके आया, बिल बिल्ली चलाने बिल्ली चलाने किसी नो मतलब गल नहीं पा, आख्या भाई तू गल मंगानी है 20 बारे तो पटवारी तहसीलदार मंगा, बेहिया गल मंगा, गल नहीं सुनता, बोलता ही है जोरी जोरी है, जबरदस्ती घोली घोले पौंदा, अज बाहरों बरमाह लिया आंदा, जमीन है मंदिर दी, मंदिर दी जमीन है महाराज, शिव सन्नी शिव मंदिर सन्नी नानक दी, तुस 45 पिंडे सुधे तुस गंगू महाराज ही पुछी सकदे, तुस असें उन्हें भी फोन किया, उन्हें भी आना शामी 4 बजे, उन्हें भी वो कुछ सत्संग पर ना, वो भी आख्या मैं शामी 4 बजे पुछदा, और एस एस पी कोहली साहब नूं बुलाना, मैं आप खुद आना। हाँ जी, तुस एक्स सरपंच हो, तुहाड़ा की नाम है सर? सुधाकर सिंह सैनी। के पूरा मसला की है? मसला ये है सर, ये जमीन जिहड़ी है ना ये रापर पिंड है, एक साढ़े कन्ने रापर दे पिंड दी कुसा एक जट है चौधरी चूनी, उंदी जमीन है, उन्हें ये जमीन मंदिर की डोनेट की, मंदिर 20 कनाल जमीन है, मंदिर की डोनेट की, इहदी बाउंड्री शाउंड्री भी JCB ने की है। हुण सानू ये पिछले साल का पता लगा कि एक कोई जमीन है लैंड ग्रैवर, वो आखदा मैं जमीन खरीदी है 2010 की, तो अस उसी आखदे अगर तू 2010 की खरीदी है तो क्यों नहीं तो मालिक ले आते कवर करनी चाहिए, नहीं जी अज ये होया ये सारा शमशान घाट है, आखदा ये भी मेरा मैं खरीदा, ये कबर पर एक मिनट छेडे मुंडे वो सामने कबर मंडी वो शमशान घाट अज अस अपने पिंड का कोई जमींदारी का काम सारे लोग कट्ठे हो नाला कटा है उत्थे पता लगा भाई उत्थे कुल्ला बना दा जिवें उहदे विच मंदर दी जगह अस सारे आए इ'यां जियां अस आए आं अगर दिखिया 50-60 लोग गुजर इत्थे लोकल नहीं बाहर दे वेली चराने दे आई है जियां साढ़े बंदे उत्थे पुज्जे ने उंदे मामला बंदे साढ़े मामला कर दित्ता एक दी बांह टुट्टी गई एक दी सिर इंजर है इहदी बांह लगी दी है इह मसला ते हुण पुलिस आई है ते अस पुलिस की इह गल आखदे आं भी मंदर जगह च कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिदा जिहड़ा कुल्ला बना देन इसी इसी तड़ाओ तहसीलदारी बुलाओ पहले भी 10 दिन पहले भी गल हुई है कि पहले तो तहसीलदार बुलाओ पुलिस बुलाओ पुलिस की मौजूदगी करो ये चोरी कहली करा है गुंडे कहली इंसानदेही करो तकनीमा कराओ जो भी बनता है हल करो वो सुनता नहीं गल नहीं सुनता किसी की हाँ हजार बारी आख्या गल नहीं सुनता बोलता जोर जोर भैया पिछले ऐतवार की गल साढ़े ग्रां दे बच्चे इत्थे बैट बॉल खेला दे हे सारे गै क्रिकेट खेला दे उन्हें छोटे छोटे बच्चे आए उन्हें भी दोनों मुड़े इन्हें थप्पड़ मारे गालां कढ़ियां जमील ने सिरां सर
बेसिकली गल जिन्ना भी समझ लैंड ग्रैबर चलो है एक्चुअली ये ड्रग्स का काम भी करता है बंदा जिन्हें भी चिटे सर सारे मुड़े है सर बड़ा तहसील के गुजर तहसील के गुजर बेलचियाने गुजर इन्हें सारे साढ़े गुजर ही खराब करे साढ़े गुजर बहुत अच्छे साढ़े को पट्टे पुट्टे लेंदे सब कुछ लेंदे इन्हें भी करना ही खराब करे ने इन्ना गंदा बंदा सर जी ये 2011 भी सर इन्हें बड़ा केस किया बड़ा लेकिन अदूं भी इन्हें बड़ा गलत किया हा अदूं सर साढ़ा 200 साल का कब्जा जी ये मंदिर गुरु महाराज जी ने सानू बच्चे 10,000 रुपया खुद अपने को लिया सानू बच्चे क्रिकेट ग्राउंड की क्रिकेट ले दी थी जाओ बच्चे खेलो जी है अस गुरु महाराज हुंदी थोड़ी चरणे जा करने आ मंदिर नाल जगह शिव मंदिर नाल जिंदे रा जिंदे सारा जान नहीं दिंदे जिन्ने मर्जी आ एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर के सर 2 दिन पहले 4 दिन में 5-7 दिन हो गए इधर नाक लगाए हुए गो तस्करों लिए ये आए कोई शुक्रवार की बात है ये आए एक सेंट्रो गाड़ी थी हमने उधर रुकवाई तो इन्होंने क्या किया पहले रुक गए बात बूत की हमारे साथ जैसे हमने देखा आगे चिट्टे पड़े हुए थे पाउडर रखे हुए थे इन्होंने हमें हाँ हमने पूछा ये क्या ऐसे ही इन्होंने एक पता नहीं क्या पत्थर फटती थी क्या था टोका निकालने लगा लेडीज थी कह रहे थे लेडीज है कोई प्रेग्नेंट है वो लेडीज कहाँ थी उस टाइम पे लेडीज नहीं थी मतलब चिट्टे का भी कारोबार चिट्टे का कारोबार सारा चल रहा है गो तस्करों का इधर कारोबार चल रहा है चिट्टे का कारोबार और सर हमारे इधर ऐसा है कि अगर हम अपना लोग मकान बनाए तो हमें तहसीलदार पटवारी एसडीएम सर एक मिनट एसडीएम परमिशन मांगते हैं अगर जे रात को काम करते हैं एक दिन में प्लान भरते हैं तीसरे दिन इनका लैंडर डला होता है फोर्थ ब्रिज के नीचे देखिए हम रात को 8 बजे के बाद आ नहीं सकते क्योंकि कभी मारते हमें खुद मारा हम दोनों को एक दिन बड़े हमले हुए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं अगर हमारा कोई गरीब बंदा कोई मकान डाले सब लोग आ जाते हैं इधर परमिशन लिया आपने परमिशन लेकिन इनको कोई परमिशन नहीं है रात सुबह 4 बजे जब कुल्ला डालने स्टार्ट हुए हैं हमें लड़कों ने अभी 10 बजे आए हैं इधर तो हमारे 3-4 लगे को इन्होंने जख्मी कर दिया हुआ है लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि इनको क्यों नहीं पूछते हो अब जो ये लोग जख्मी हुए हैं कहाँ इनका इलाज चल रहा है कोई 2 तो MH किए हुए हैं तो 2 तो बख्शीनगर में रेफर किया हुआ है बुरी हालत है उनकी सर उनके टोकों के साथ हुआ है और उन्होंने ड्रग्स लिया हुआ है सर बड़ी बुरी हालत है सर साढ़े इलाका ना जरा खराब हुई सर डोगरी सीधी गल सुनाना कि सानू जरा तभी बेल्ट फेवर है साढ़ा इलाका खत्म है अज भी है तो कल भी है बस इन्हें सर मारना सारी 30 भैन नहीं आई सकती हरियाणा का गुजरा है कोई रामबन का कोई पंजाब का गुजरा है लोकल इतना कोई पुछा पंजाब कोई पूछताछ नहीं गुजर कोई नहीं चाहिए गुजर जो भी है सभी निकल जाए जहां से बात खत्म हमें कोई गुजर नहीं चाहिए ये मंदिर की जगह पे क्यों गुजर क्यों आ रहा है गुजर का कैसे कब्जा हो गया मंदिर भी ये हो गया ना हिंदू और मुस्लिम पहले हमारी बात हुई यहाँ पे सुनो मेरी पहले इनसे बात हुई कि ग्राउंड सांझी है आप भी कोई फंक्शन कर सकते हो प्ले ग्राउंड बनाओ फंक्शन करो जो मर्जी करो तो आप ये गुजर भी उनका साथ देते हैं क्योंकि अपनी कौम परस्ती करते ना फिर और एक दिन आते हैं इधर वो करता है तो उस टाइम पे इसके पास आगे कैसे आ जाते हैं अगर पूछने की कोई बात तो है ना ये पूरा मामला है सुबह का जो ये इस इलाके में हुआ है छन्नी नानक इलाका है फ्लाई मंडाल का जहाँ पर ये मंदिर की ज़मीन है जहाँ पर सुबह ही कुल्ला इलीगली कुल्ला बनाने की कोशिश की है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर आपस में क्लैश हुआ है पुलिस यहाँ पहुँची हुई है 3 से 4 लोग इंजर्ड हैं जो यहाँ पर पूछने गए थे कि आप किसकी परमिशन से यहाँ कुल्ला बना रहे हैं तो उसके ऊपर उनके ऊपर अटैक हुआ है और यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ बाहर से लोगों को बुलाया गया है हमला करने के लिए ये इन्हीं लोगों का कहना है जो यहाँ के लोग हैं और ये फ्लाई मंडाल का जो छन्नी नानक इलाका है यहाँ पर ये पूरा घास चराई जगह है ये घास चराई जगह होती है उसके ऊपर जो है कुल्ला इलीगली बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके अंदर एक बड़ा सुबह क्लैश हुआ है सर एक कानून है ये भी बन है पार तभी का बन है और ये भी तभी का बन आ रहा है कानून के अंदर आता है कि बन के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है कौन ले रहा है इनसे कमीशन ले रहा है गवर्नमेंट कमीशन ले रही है कौन कमीशन ले रहा है इनसे कैसे हो रही है कंस्ट्रक्शन इनको कोई पूछने वाला नहीं है क्या मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है या किसी गवर्नमेंट का है या कोई किसी का है मैं गलत बात है पुलिस से कहूंगा कि यहाँ पर जो ये सारा मसला बना हुआ है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि चिट्टे का भी कारोबार यहाँ से होता है तो मैं पुलिस से कहूंगा कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर बोवाइन स्मगलिंग भी होती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए धन्यवाद राम राम